जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट लॉकडाउन के समय में क्या क्या खास कर रही हैं, उन्होंने अपने एक पोस्ट यानी कि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो के द्वारा बताया, जहाँ पर उन्होंने फ़ोटो डाली उसके साथ में कुछ कैप्शन भी दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लॉकडाउन के इस माहौल में क्या क्या करना सीख गई हैं और साथ ही साथ आने वाली चुनौती के लिए किस प्रकार से तैयार हो रही हैं। उन्होंने अपने इस कैप्शन में लिखा, 60 दिन बाद स्ट्रॉन्ग फिट और वापस में बेहतर हो गई हूँ। उसके साथ ही वह बताती हैं कि रस्सी कूदने में और पुशअप में और भी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं ये। रनिंग करने के लिए जुनूनी और सही खाने के लिए सुपर जुनूनी और अगली चुनौती का इंतज़ार कर रही हैं, जिसके चलते बॉलीवुड में अपने एक्टिंग से और भी सिक्का जमा सकें। इस पोस्ट में आलिया भट्ट ने कुछ और बातें कही, लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ जो बटोर रहा है वह है उनके हेयर कटिंग को लेकर। बताया दोस्तों, इन्होंने अपने बाल की कटिंग को भी लेकर बताया कि उन्होंने अपने हेयर स्टाइल को घर पे ही सवारा, यानी कि अपने बाल घर पे ही काटे हैं। यहाँ पे बताते हैं कि शुक्रिया उस कलाकार का जो उस मौके पर आया जब मुझे एक चॉप चॉप की जरूरत थी। सोशल मीडिया पे आलिया भट्ट की तस्वीर और पोस्ट दोनों ही जमकर वायरल हो रही है। बताया दोस्तों, सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पे आलिया भट्ट के 47 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं, जहाँ पे 47.5 मिलियन फॉलोवर हैं इनके, और इनके लगभग इनकी हर पोस्ट पर ही कम से कम 2 लाख 3 लाख या फिर इससे ज़्यादा 20 लाख की गिनती में लाइक्स आ जाते हैं, जहाँ पे देखने को मिलता है किस प्रकार से इनके फैंस जमकर इनको फॉलो करते हैं। बात करें आलिया भट्ट के रिलेशनशिप की, तो ये रणबीर कपूर के साथ बहुत बेहद ही चर्चाओं में हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था किस प्रकार से ऋषि कपूर के निधन के बाद से रणबीर कपूर को संभालती हुई दिखाई दी थी, आलिया भट्ट और उनके परिवार को भी संभालती हुई दिखाई दी थी। नेक्स्ट 9 लाइफ चैनल में आज के लिए इतना ही, ऐसी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।